सही गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। आप सब तो मुझे पहचान गए होंगे, तो इंट्रोडक्शन देने की मुझे जरूरत ही नहीं है। सो गाइस, अभी हम यहाँ से उदयपुर से जा रहे हैं शिमला, और मेरा मन नहीं है उदयपुर छोड़ के जाने का। इतना प्यारा ब्यूटीफुल लोकेशन यार, सीरियसली मतलब दिल लग गया मेरा उदयपुर में। मेरा मन नहीं है यहाँ से जाने का, बट फिर भी जाना पड़ेगा हमें शिमला। और अभी मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ गाड़ी में, अब वो महान आदमी कहीं पैसे डलवा रहे हैं। रुको, मैं अभी दिखाती हूँ। आई डोंट नो, दिख रही है? देखो 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 देखो, ये तीनों के तीनों अंदर गए हैं पैसे बुलवाने के लिए। फिर हम यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट। मेरा मन है मोमोज खाने का, खास कर ये उदयपुर का मोमोज। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, मैं हर जगह मोमोज ट्राई करती हूँ। आई थिंक कॉल आ रही है इनकी, साक्षी। चलो, तो आज मैं यहाँ का उदयपुर का मोमोज ट्राई करूँगी, देखती हूँ दिल्ली का बेस्ट है या फिर यहाँ का। क्योंकि मैं मसूरी गई थी, मैंने वहाँ के भी मोमोज ट्राई किए, और सीरियसली इतना यम्मी मज़ा आ गया था, मतलब बहुत ज़्यादा। तो चलो हम यहाँ से निकलते हैं, मोमोज खाते हैं, आप सबको हम दिखाएंगे कैसे हमारा जर्नी होता है टू जेड। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो टेडी फेडी में, हम मिलते हैं यहाँ से निकल के। तो गाइस, अभी हमें भिलवाड़ा में, और यहाँ पे हम फेमस मोमोज खाने आए हैं। ये देखो कितना यम्मी है यार, मैं ना खा के बताती हूँ कितना यम्मी है। ओके, सो गाइस, मोमोज तो खा लिए मैंने, और खास नहीं लगा, बस ओके था। अब मैं सोच रही हूँ गोलगप्पे खाऊँ, यहाँ के भी गोलगप्पे ट्राई करते हैं कैसा होता है इसका टेस्ट। चलो पहले खाते हैं, फिर गोलगप्पे का भी स्वाद बताते हैं कि कैसा है। अंकल को बोला है चाउमीन बनाने को, गोलगप्पे में बाद में खाऊंगे। तो अंकल अभी वो चाउमीन बना रहे हैं, देखते हैं हम। ओए, देख के तो मुँह में पानी सा रहा है, बस जल्दी जल्दी बन जाए। सो गाइस, हमारी चाउमीन भी आ गई एकदम रेडी होके, देख सकते हो। बट ये ऊपर से ना मेयोनीज डाल के ना इन्होंने बहुत गलत कर दिया। सो गाइस, ना मुझे मोमोज अच्छा लगा और ना ही इनके चाउमीन। मैं क्या ही बताऊँ, मेरे को बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं लगा चाउमीन का भी। चाउमीन मोमोज भी ओके था, मोमोज ये ऐसे मुँह बना रहे कि बहुत अच्छा था। इससे अच्छा हमारे दिल्ली में वो रेडी वाले अंकल बना के देते हैं, लेकिन ओके था। मैं बुराई क्यों करूँ, ठीक था, भूख लग रही थी, मेरा मन था मोमोज खाने का, तो मैंने खा लिया। और अभी हम मैंने आधी चाउमीन छोड़ के हम यहाँ बैठ गए गाड़ी में। अब हम जा रहे हैं यहाँ से मुराद को लेने के लिए। तभी वो मॉल में अभी कपड़े वगैरह ले रहे हैं, जब तक हम यहाँ कुछ उस पर आ गए थे। तो चलो हम उन्हें पहले वहाँ से पिकअप करते हैं, फिर हम चलते हैं अपने लोकेशन पे। बाय बाय। ये अभी बात कर रहे हैं और हम अभी यहाँ पे मुराद का वेट कर रहे हैं, वो अभी तक नहीं आया। मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है यार। चल चल चल, हम अपने लोकेशन पे पहुँच जाए, बट वो ही नहीं रहा। अपने दोस्तों के साथ बातचीत करे जा रहा। अब देखते हैं वो कितनी देर में आता है, और जैसे आएगा हम यहाँ से तुरंत निकलेंगे तैडी फैडी में। आप मेरे ब्लॉग में बने रहो, जब तक सब्सक्राइब कर दो, हम मिलते हैं यहाँ से निकलने के बाद। बाय बाय। सीरियसली गाइस, मैं अकेले यहाँ पे बैठे बैठे ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, मेरे को प्यास लग रही है। ये लोग आ ही नहीं रहे, इन लोगों की शॉपिंग ही नहीं ख़त्म हो रही। काफ़ी देर से देख रही हूँ कि हाँ शॉपिंग। ओके यार, ठीक है, अब आगे कर लेना। अब कह रहे चंडीगढ़ में भी हम करेंगे, यार हद होती है इन लोगों की। देखो दिख नहीं रहा, अभी यहीं पर बैठे हुए थे शॉप के नीचे, यहाँ पे ब्लर हो गया कैमरा, यहीं बैठे हुए थे, और अब ये मुझे नहीं दिख रहा कहाँ गायब हो गए। एक्चुअली हम जा रहे हैं शिमला शादी में, शूट वगैरह के लिए नहीं जा रहे हैं, हम ओनली शादी में जा रहे हैं। तो मैं तो खैर जाऊंगी नहीं, और जाऊंगी भी तो ये लोग दिलवा देंगे मेरे को ड्रेसेस वगैरह। बट ये अभी ले रहे हैं, अभी पता नहीं मैं कितना टाइम लगेगा। मैं बहुत ज़्यादा थक गई, बहुत ही ज़्यादा मेरे को प्यास भी लग रही है, और ये पागल नहीं आ रहा। देखते हैं कब तक आता है, इन लोगों की शॉपिंग कब ख़त्म होती है। ये देखो आ रहा है, देखो। आई डोंट नो, दिख रहा नहीं दिख रहा, वो ग्रीन टोपी सा पहन रखा था। ये देखो ग्रीन टोपी में दिखा कोई तुम्हें, ये देखो 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 देख रहा है, ये चूतिया। मतलब कान में ना आत्माओं की तरह भटक रहा है, आ नहीं रहा यार ये। अभी से कॉल करके बुलाती हो। 40 का आइटम का फाइनली आ गया, पागल इतना वेट करवाने के बाद अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। थैंक गॉड, जो ज्यादा जल्दी नहीं आ गए तुम। सॉरी क्या होगा, उदयपुर मुलाकात होगी।
सो गाइज, अभी हम है पेट्रोल पंप, और पेट्रोल पंप की हालत देख के मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वॉशरूम खुला होगा, यहाँ पे कोई मुझे मिले। एक ही लाइट जल रही है, यहाँ नहीं जल रहा। आई डोंट नो वॉशरूम भी किस साइड है। एक भैया तो मिलेगा, हम सब इनसे पूछते हैं। भैया वॉशरूम कहाँ है? वॉशरूम वॉशरूम नीचे पीछे। अच्छा पीछे, इधर। चलो गाइज, अंकल जगे हुए थे, इनसे पूछ लिया। इन्होंने कहा पीछे पीछे देखते कहाँ है वॉशरूम। किधर? ये वॉशरूम अंकल, ये है। मेरा तो मन भी नहीं कर रहा अंदर जाने का, वो गायब होगी मैं। चलो वॉशरूम कर लेते पहले। सो गाइस, जो सोचा था वही हुआ। देखो एक बार कितना गंदा जाम लग रखा है यार। आई कांट बिलीव दिस, आई डोंट नो कि कब तक जाम हटेगा, हम इसमें फंस ना जाए। आई होप कि जल्दी जल्दी हट जाए। देखो यार कितना गंदा जाम है, ये बैठे हुए टैपिंग कर रहे हैं, छोड़ो इन्हें। सो गाइस देखते हैं जाम कब तक खत्म होता है। हम यहाँ से टैडी फैडी में निकलते हैं, क्योंकि मैं बोर हो जाऊंगी इन ट्रक वगैरह को देख देख के। ओके, हम यहाँ से निकलते हैं कुछ खाने के लिए। अब देखते हैं क्या खाने को मिलता है यहाँ पे। ये रहे मुराद, जो आगे आगे बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, सबको इग्नोर करते हुए। तो चलो गाइस, हम पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सबसे। शीशा देखा नहीं कि कैमरा ऑन ऑलरेडी। वैसे यार प्लीज मुझे ना खैर छोड़ो, मैं आई हूँ वॉशरूम में सू सू करने के लिए। टॉयलेट लग रही थी मुझे बहुत तेज की। चलो हम पहले यहाँ से निकलते हैं, अंदर वो लोग मेरा वेट कर रहे होंगे, कहेंगे वीडियो स्टार्ट कर दिया उसने बनाना। चलो चलते हैं। मुझे क्यूट सी मासूम सी लग रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ ना। खुद नहीं पता हमें कि हम कहाँ पे हैं, और अभी टाइम हो रहा है 4-5 बजने वाले हैं, मतलब। और अभी हमें खुद नहीं पता कि हम कहाँ पे हैं। अब देखते हैं मैक्सिमम कितना टाइम लगता है, बट हमें यहाँ से डायरेक्टली हमें चंडीगढ़ जाना है। चंडीगढ़ वहाँ पे थोड़ी बहुत रेस्ट करके हमें शॉपिंग वगैरह करनी है, शेविंग वगैरह करवाने हैं, तो करवाने के बाद फिर हम शिमला के लिए निकलेंगे। उसके बाद देखते हैं हम कब तक पहुँचते हैं यहाँ पर। अभी ये पेट्रोल डलवा रहे हैं, एक्चुअली डल गया, देखो पेट्रोल डल गया। चलो हम गाड़ी में बैठते हैं, चलो बैठते हैं फिर मिलते हैं। ये महान साहब गाड़ी चलाते चलाते थक गए, तो पीछे जाके आराम से सो गए। लाइक करो इसी बात पे। अभी इनका पेट्रोल नहीं डला, अभी पेट्रोल ही डलवा रहे हैं ये। देखते भी कितना टाइम लगेगा। इनकी गोदी में बैठ के ये सो गए आराम से। बहुत दूर से गाड़ी लेके आए हैं, इन्हें सोने देते हैं। हम पहले टेडी फेडी में पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं आप सबसे। जब तक सब्सक्राइब कर दो टेडी फेडी में। ओके गाइस, चलो मिलते हैं बाद में। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हमें हरियाणा रोड पे, आई डोंट नो कि हमें कितना टाइम लगेगा यहाँ से पहुँचने में। मैक्सिमम देखते हैं, कुछ आइडिया नहीं है। अभी ये तुम चला रहे हो गाड़ी, इन पर मेरे को भरोसा नहीं है यार कि वहाँ पे भी ठोक दिया था। इसे वहाँ गाड़ी ठोक दी थी। देखो गाइस, ये लिखा है ना चंडीगढ़, हमने टोल टैक्स क्रॉस कर लिया है। अभी हम टोल टैक्स के हम साइड कर रहे हैं, चंडीगढ़ में हम एंट्री कर चुके हैं। अब अंदर चलते हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो जब ज़्यादा हॉर्न बजाते हैं ना, फोन हमें लगता है
बट नेवर माइंड, हम पहले होटल लेंगे, वहाँ पे रेस्ट वगैरह करेंगे, मुझे नहाना भी है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई, मेरे को भूख भी लग रही है, तो मेरे ब्लॉग में बने रहो, हम आगे बढ़ते हैं, फिर मिलते हैं। सो गाइज, हम चंडीगढ़ पहुंच गए हैं सेक्टर 22, जहाँ मेन मार्केट वगैरह लगते हैं। तो हम वहाँ आए, अभी इन लोगों को शॉपिंग वगैरह करती है, मेरा मन तो नहीं था घर आने का, कह रहे गड्ढे तो क्या गाड़ी में बैठेगी, तो फिर जाना पड़ा। चलो देखते हैं लोग क्या क्या शॉपिंग करते हैं, मुझे भी कुछ पसंद आया तो ले लूँगी। चलो चलते हैं, एक बार देखते हैं चंडीगढ़ का भी मार्केट कैसा होता है। ओके गाइज, चलो सब्सक्राइब कर दो टेडी फैडी में, फिर मिलता आगे पहुँच गया। देखो मार्केट चंडीगढ़ का, आगे देखते हैं और क्या क्या हमें मिलता है। यहाँ पे स्लीपर की कलेक्शन वगैरह है, यहाँ पे भी है, आई डोंट नो यहाँ क्या चीज़ है, बुड़खावट से इसमें रखे सामान भी ऐसे पहने पड़े हैं। मेन अंदर है, अब हमने यहाँ से एंट्री लिया है, मेन अंदर है मार्केट, देखते हैं जो अच्छा लगा ना ले लूँगी मैं भी। ये लोग पहले भगे जा रहे, देखो प्यारी प्यारी कलेक्शन है गाइस, प्यार लग रहा है। यहाँ पे भी स्लीपर के कलेक्शन वगैरह हैं बहुत सारे, यहाँ पे चूड़ी वगैरह हैं। भूख लगी तो मैंने ये ऑर्डर किया है, गाइस मुझे डबल चीज़ पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा यम्मी लगा, तो अभी मैंने फिर ऑर्डर किया है पनीर रोल, ट्राई करते हैं एक बार, ये भी कैसा होता है चंडीगढ़ का। हालत ख़राब हो गई, हालत आई डोंट नो हम कब तक पहुँचेंगे वहाँ पे। शिमला जन्नू शिमला, क्या बोला तूने? देखो जाम लग रखा है इस ट्रक की वजह से ना, हम फंस गए हैं, देख लो शिमला में पहुंच गए, ये उतर गए गुस्से में। ये ट्रक बीच में फंस रखा है, खाली ट्रक है बीच में, वरना हम निकल ही जाते, जाम इतना गंदा भी नहीं है। सो गाइस, फाइनली हम शिमला पहुंच चुके हैं, और अपने रूम में भी जस्ट मैं आई हूँ, अपना बैग वैग रखा है कोने में, मैंने मेरे क्या ही हुआ तो भी मैंने बैग अपना ऐसे ही रख रखा है, और मेरा मन कर रहा है अभी शावर ले लूँ, नहा के आराम से सो जाओ, क्योंकि सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा, नहाने के बाद रिलैक्स फील होगा ना, मैं आराम से फिर सो जाऊँगी। तो चलो यार, मैं नहाने के बाद ही आप सबसे मिलते हूँ, ओके, जब तक सब्सक्राइब कर दो। हम जा रहे हैं शादी में, हम शादी एंजॉय करके आते हैं, जब तक तू खाना वाना खा, डूस ले इनकी लैंग्वेज, ओके जल्दी आना यार प्लीज, ओके रिपोर्ट बाय बाय। सब तो चले गए, और मेरे को इतनी तेज की भूख लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे चीज सैंडविच ऑर्डर किया, देखते हैं कैसा होता है। रैप में गया, ऐसे होटल कम से मिलने लगा यार, ओ कैचअप वगैरह भी यहाँ है, देखते हैं कैसा है। चीज सैंडविच किया, ओके ओके ओके। मैंने बिरयानी ऑर्डर किया, उतना खास नहीं लग रहा, ना इसमें चटनी डाला, ना सैलड है इसमें, मतलब कुछ नहीं, बट ओके ओके, अब बुरा नहीं होना चाहिए, है ना। चलो खाने के बाद मिलते हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।